काश मेरे पास भी कोई पीआर टीम होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सवाल केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उठा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के पीआर टीम होते हैं। जिन लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि उन प्लेयर्स का नाम अच्छा बने रहे। कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टूर के टीम अनाउंसमेंट हो चुका है, जिस टीम को लीड करेंगे शुभमन गिल। और बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिला है टीम इंडिया में। इनफैक्ट रियान पराग, अभिषेक शर्मा एंड तुषार देशपांडे को फर्स्ट टाइम इंडियन टीम के तरफ से कॉल अप भी मिला है। लेकिन इस टीम में भी वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं था। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का इस साल आईपीएल सीजन बहुत ही अच्छा गया था, लेकिन फिर भी टीम में अपने नाम ना देखकर वरुण चक्रवर्ती बहुत ही नाखुश हो गए और इनडायरेक्टली शायद बीसीसीआई के अगेंस्ट ये वाला पोस्ट डाल दिए, जिसमें उन्होंने लिखा, आई विश आई हैड अ पेड पीआर एजेंसी, इनडायरेक्टली सेइंग कि जिन प्लेयर के अच्छे पीआर एजेंसी होते हैं उनके बारे में सब बात करते हैं, उन प्लेयर्स को लेके माहौल बना रहता है, वो आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं, और जिन प्लेयर्स के पास अच्छे पीआर एजेंसी नहीं होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या वरुण चक्रवर्ती सच में इंडियन टीम में जगह मिलना डिजर्व करते हैं? क्या उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना।